सिनान बोलो। तुम कैसी हो डियर? तुम्हें क्या लगता है सिनान, मैं बहुत गुस्से में हूँ और दुखी भी हूँ। ऐसा क्या हुआ? इसके लिए जिम्मेदार सेल्डा और निहाती तो हैं। मेरी बेटी की हालत देखो, लेकिन उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। मेरा भाई और मैं। प्लीज सिनान रुक जाओ, मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ। तुम एदा के बारे में झूठ बोल चुके हो, अब और झूठ नहीं सुनना चाहती मैं। गुड बाय। ये क्या हो रहा है सब? हेलो अंगे, कल रात आखिर हुआ क्या? मेरी अभी एल्चिन से बात हुई, वो अपसेट है। कुछ मत पूछो सिनान, तुम सोच भी नहीं सकते क्या हुआ था। कम इन। क्या मैं आ सकता हूँ? सिनान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई मीन वेलकम। थैंक यू। एल्चिन, हमें थोड़ी बात करनी होगी। ऑफ कोर्स, तुम इतनी दूर ऐसे ही तो नहीं आए होंगे। बैठो। प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बताना चाहता था। प्लीज सिनान, एक मिनट पहले मुझे बोलने दो, ठीक है? मैं कल सोच रही थी कि मेरे ख्याल से हमें कुछ दिनों के लिए अलग रहना होगा, यही बेहतर होगा। ये क्या कह रही हो एल्चिन? क्या तुम मुझसे ब्रेक लेना चाहती हो? हाँ, मैं जो दिल में होता है वही बोल देती हूँ सिनान, तुम्हारी तरह नाटक नहीं कर पाती। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने तुमसे कब झूठ बोला? एदा का ही एग्जाम्पल ले लो, तुमने कहा था वो शांत हो गई है और उसने हमारा रिश्ता मान लिया है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कल अचानक हम दोनों की मुलाकात नहीं होती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि वो क्या सोचती है मेरे बारे में और मेरी बेटी के बारे में। तुम एदा से मिली थी? हाँ, मैं ये सोचकर उससे मिलने गई थी कि उसने हम दोनों के रिश्ते को मान लिया है, लेकिन वो मुझ पर चिल्लाने लगी। जानते हो कितनी शर्मिंदगी हुई मुझे, तुम्हें इस तरह से मुझे जलील करवाने का कोई हक नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा है सिनान, सच में। ओके, मैं जानता हूँ कि तुम सही कह रही हो। पता नहीं एदा को क्या हो गया है आजकल, और ये बात मैं तुम्हें नहीं बता पाया। तुम प्लीज समझो, एक तरफ वो औरत है जिसे मैं प्यार करता हूँ और दूसरी तरफ मेरे कलेजे का टुकड़ा मेरी बेटी। देखो एल्चिन, मैं बीच में पिस गया हूँ। मैंने एदा को बहुत समझाया, पर मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। तो अब क्या हुआ है सिनान, झूठ बोलकर आखिर तुम्हें क्या मिल गया? कभी कभी मुझे लगता है तुम मर्द अक्सर भूल जाते हो कपल होने का असली मीनिंग क्या है। मैं अदा के मन की हालत समझ सकती हूँ, क्योंकि वो बच्ची बिना माँ के बड़ी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम बिना वजह मेरी बेइज्जती करवाओ। उसे लगता है कि मैं उसे तुमसे अलग कर रही हूँ, और तुम सब कुछ जानते थे, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, मैं उसे समझाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमने मुझे गलत साबित किया और ये मैं नहीं भूल सकती सिनान, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं नहीं चाहता था ऐसा कुछ हो। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए सिनान। ऊपर से बुराक ने चारला के साथ जो भी किया उसको लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दे दो, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है एल्चिन, हम वही करेंगे जो तुम चाहती हो। चलो डार्लिंग, तुम ठीक हो? मुझे क्या हुआ है मॉम? कहाँ जा रही हो तुम? टूचे के साथ डिनर पे जा रही हूँ, बाहर जाऊंगी तो अच्छा लगेगा। ये तो अच्छा आइडिया है, आज की रात यादगार होगी मॉम। वैसे क्या प्लान है आपका? कुछ नहीं, मैं तो घर पर हूँ। घर पे क्यों? आप सिनन अंकल के साथ डिनर पे बाहर क्यों नहीं जाती हैं? मैंने कुछ दिन सिनान से दूर रहने का फैसला किया है। वो क्यों? तुमने देखा ना एदा ने उस दिन कैसे बिहेव किया हमारे साथ, तुम थी ना, सिनान ने मुझसे झूठ बोला था। मॉम आप भी ना, आपको बुरा ना लगे इसलिए कहा होगा, वरना वो आपसे क्या कहते बताइए? क्या ये कहते, एल्चिन मेरी बेटी पागल है और वो मुझे लेकर पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है। चला, फिर भी सिनान को सच बोलना चाहिए था, मैं एदा को अलग तरह से समझाने की कोशिश कर सकती थी। मॉम
सिनन आपको चाहते हैं। वो हमेशा पहले आपके बारे में सोचते हैं, कभी कोई सवाल नहीं करते। आपको उन्हें दूर करके इस तरह पनिश नहीं करना चाहिए था। वो ये डिजर्व नहीं करते हैं। आई एम श्योर वो बहुत दुखी होंगे। हाँ वो बिल्कुल है। कम ऑन मॉम प्लीज, बुराक ने जो मेरे साथ किया उसकी सजा आप सिनान अंकल को मत दीजिए प्लीज। आप लकी हो जो आपको सिनान अंकल जितना प्यार करने वाला साथी मिला। हाँ तुम सही कह रही हो। ये लो प्लीज कीप द चेंज। थैंक यू मैम। बशाक तुमने जो कहा मैंने सुन लिया, अब प्लीज जाओ यहाँ से। तुम तुम्हें जो कहना था वो सब मैंने सुन लिया सनन। ये क्या तरीका हुआ, हम बातें कर रहे हैं, मैं चली जाऊं और तुम जैसे खूबसूरत और हैंडसम मर्द को अकेला छोड़ दूं? नामुमकिन। या तुम किसी और का इंतजार कर रहे हो? कोई स्पेशल तो नहीं ना? तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो वो कौन है। तुम भूल गई, तुम ही ने वो फोटो ज़ैदा को सेंड किए थे। सच कहूं मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मैं जेलस हूँ। लेकिन तुमसे नहीं, मेरे बच्चों से। एक बात याद रखना, मेरे अलावा कोई भी औरत मेरे बच्चों की माँ नहीं बन सकती। फिर तुम जितनी चाहे कोशिश कर लो। तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रही हो? गुड इवनिंग एल्चिन, वो मैं। हेलो, मैं बसक हूँ, सिनन की वाइफ। ओह सॉरी, मेरा मतलब एक्स वाइफ हूँ। और तुम जरूर उसकी नई गर्लफ्रेंड एल्चिन हो, है ना? मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। अब मैं चलती हूँ। सिनन, अब तो हम दोनों की मुलाकातें यूं ही होती रहेंगी, लेकिन अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। एंजॉय द डिनर। एल्चिन, आज के लिए माफी चाहता हूं। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। प्लीज इस तरह से नाराज मत हो। तो तुम चाहते हो कि मैं स्माइल करूं सिनन? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। समझता हूं, सही कह रही हो तुम। विश्वास करो, सब मेरे कंट्रोल के बाहर था। प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करो एल्चिन। तुम अपनी एक्स वाइफ से कब से मिल रहे हो? मैं उसे बिल्कुल नहीं मिलता जुलता हूं, मुझे खुद आज पता चला। तुम्हें कैसे पता नहीं था? मैं यहाँ आती हूँ और देखती हूँ कि तुम लोग साथ में बैठे हो, बातें कर रहे हो, खाना खा रहे हो, और तुम कहते हो तुम्हें पता नहीं था। हाँ, मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला। मतलब आज तुम दोनों पहली बार मिले हो? हाँ? नहीं, कुछ दिन पहले वो ऑफिस आके मुझसे मिली थी। और तुमने मुझे बताया था? मैं बताने वाला था। जो भी हो सिनन, मैं जा रही हूँ, ठीक है? एल्चिन। सिनन प्लीज, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। ओके, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। एल्चिन। उफ यार, कितने कॉल्स किए उसने।
I'm so sorry. फोन में घर पर ही भूल गई थी। वोल्कन बोल रहा हूँ। वोल्कन, आसले कहाँ है? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। आसले आज रात यहीं रुकेगी। वहाँ रुकेगी? पर मैं घर आ गई हूँ, वहाँ क्यों रुकेगी? अरे वो सो चुकी है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, मैं उसे जगाना नहीं चाहता। चिंता मत करो, मैं उसे कल सुबह सुबह ड्रॉप कर दूंगा। वोल्कन सच में सब ठीक तो है ना? हाँ चिंता मत करो, सब ठीक है। हाँ पर सुनो। अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। ओके ठीक है, कल सुबह उसे ले आओगे ना? बिल्कुल। वो घर क्यों नहीं आ रही है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे पता करना ही होगा। कितना रोमांटिक है ये। किसी हसीन सपने की तरह। हसीन? तुम्हारे लिए या मेरे लिए? कितना मजाक करते हो तुम। तुम्हारा मुझे इस तरह अपनी बाहों में उठाना कितना रोमांटिक है। अब बस बस, बहुत हुआ चारला, बस करो। प्लीज मत जाओ, रुक जाओ मेरे पास। हेलो मिस एल्चन। क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरा बॉयफ्रेंड बस मुझे घर छोड़ने आया है, ये बात है। चारला क्या बदतमीजी है ये, आधी रात को ये क्या तमाशा लगा रखा है? बात बढ़ाओ मत मॉम, बस इतनी सी पी हम लोगों ने। मुझे दिख रहा है कि तुमने कितनी पी रखी है। बुराक तुमने इसे इतना क्यों पी नहीं दिया? तुम जानते हो अगर इसे कुछ हो जाता तो। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की पर। तुम लोग साथ में बाहर गए ही क्यों थे? डिनर के लिए। गुड बाय डिनर के लिए, इसे एक बार मिलना था मुझसे। बुराक तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ प्लीज। हम ब्रेकअप के पहले एक बार मिलना चाहते थे पर चाला ने बहुत ज्यादा पी ली थी। मैंने ज्यादा कहाँ पी, बस इतनी सी पी। चाला तुम चुप रहो, फिर आगे क्या हुआ? बस इतना ही, और कुछ नहीं है। इसका क्या मतलब है? चाला की हालत तो देखो जरा, तुम लोग एक दूसरे की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। मिस एल्चन, मैं आपकी बेटी को घर तक उठा कर लाया हूँ, इससे ज्यादा क्या करता मैं? बुराक निकल जाओ मेरे घर से। क्या मॉम प्लीज। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ मैं। बुराक, बुराक रुको। चौला चुप हो जाओ और सोई रहो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। बाथरूम तैयार कर दिया है, तुम जाकर शावर ले लो। उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। चला कर कर क्या रही हो तुम? हाँ गुस्सा मत करो मॉम, बुराक ये डिजर्व करता है। एक मिनट, तुमने नशे में होने की एक्टिंग की और ये सब गेम खेला? इसे गेम मत कहो मॉम। चला तुम चाहती क्या मैं पागल हो जाऊं? आखिर ये सब क्यों किया तुमने? क्योंकि बुराक ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की और अब ऐसे दिखा रहा है मानो मेरी गलती है। ऐसा करने से क्या होगा बताओ तो? तुम्हें क्या लगता है वो वापस आ जाएगा तुम्हारे पास? हाँ पर पहले उसे अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। सुनो बेटा, ये बहुत ही गलत तरीका है। रहने दो मॉम, मुझे अच्छी तरह से पता है मैं क्या कर रही हूँ। चारला मॉम प्लीज। आई होप तुम्हें पता है कि रुकना कहाँ है। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग चाला, कल से आज बेहतर लग रही हो। हाँ पहले से ठीक हूँ। सुनो चाला, कल रात जो हुआ वो फिर से कभी नहीं होना चाहिए। ओके मॉम, अब से ऐसा नहीं होगा। आपको क्या हुआ, अपसेट लग रही हैं आप? कुछ नहीं हुआ मुझे। सिनन अंकल के साथ कुछ हुआ क्या मॉम? आप दोनों की लड़ाई हुई क्या? सिनान का नाम तक नहीं सुनना चाहती मैं, खासकर कल रात के बाद तो बिल्कुल नहीं। मॉम प्लीज मुझे बताइए क्या हुआ।
कल रात मुझे उसकी एक्स वाइफ से मिलना पड़ा, और वो भी अचानक। क्या कह रही हो, एक्स वाइफ से मिलना पड़ा? वैसे कैसी लगी वो आपको? मैनर्स नाम की तो बिल्कुल भी चीज नहीं है। मुझसे कहती है मैं इनकी वाइफ हूँ, सॉरी, फिर खुद ही उसने करेक्ट किया। वो मेरे बारे में सब जानती है। बहुत शॉकिंग बात है ये तो। मैंने तो कभी भी वोल्कान को अपनी मॉम के बारे में बात करते नहीं सुना। हाँ बिल्कुल, अचानक से आ गई वो। ये बात तो क्लियर है कि उसे अपने बच्चों से बिल्कुल भी प्यार नहीं। सिन्हा ने मुझे बताया था कि वो किस तरह की औरत है, बेशर्म। मॉम, क्लियरली वो एक मामूली औरत है। आपको लगता है कि उसकी वजह से आपको अपना रिलेशनशिप खराब करना चाहिए? सिन्हा ने तो मुझसे माफी मांग ली, पर मैं इतनी अपसेट थी कि अपना सारा गुस्सा उतार दिया उस पर। मॉम, सिनान अंकल आपसे बहुत प्यार करते हैं, और कल रात उन्होंने प्रूफ भी कर दिया। उसकी वजह से आप अपना रिश्ता खराब मत कीजिए। तुम सही कह रही हो, पर मैं इस वक्त सबसे डील नहीं कर सकती। मुझे लगता है एक औरत को अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए, स्पेशली किसी और औरत के लिए तो अपने प्यार को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं सैलून जा रही हूँ, मैनिक्योर पेडिक्योर भी कराऊंगी, मिलते हैं। बस आप किसके नाम से मिलना चाहती हैं? उन्होंने कहा कि अगर मैं उनका नाम लूंगी तो आप उन्हें अंदर बुला लेंगी। हाँ ठीक है, उन्हें भेज दो, हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ एल्जिन, तुम जानती ही होगी मैं क्यों आई हूँ। मुझे लगता है तुमने अब तक खुद ब खुद समझ लिया होगा। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं समझा। देखो एल्जिन, मैं अपने परिवार को वापस साथ में देखना चाहती हूँ, अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, और अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे लगता है इस केस में तुम मेरी बात को समझ पाओगी। I'm really sorry, पर तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना है। मैं तुम्हें बताने नहीं आई हूँ कि तुम्हें क्या करना है, आगे जो होगा उसके लिए तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। वार्न कर रही हूँ, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब जानना है ना, समझदार को इशारा काफी होता है। मुझे जो कहना था कह दिया, ताकि तुम ये ना कहो कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। मैं कितनी अच्छी हूँ, तो फिर चलती हूँ। हैव अ गुड डे। मिस जगला, आप फाइल्स चेक कर रही हैं? मैं बिजी, मुकम्मल olmasın, benim kalbim her şeye yeter.